नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतवर्ष की जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी, पवित्र और पावन गंगा। और इसी गंगा किनारे बसी है भोलेनाथ की नगरी काशी। यहां हर साल लाखों लोग भक्ति के लिए भी आते हैं और मुक्ति के लिए भी। चौरासी घाटों वाली इसी गंगा के किनारे एक घाट है, नंदेश्वर। नंदेश्वर घाट। इसी घाट पर स्नान और स्तुति कर संतानहीन महिलाओं की मनोकामना पूरी होती थी, लेकिन अब यह घाट श्रापित है और लोगों का मानना यह था इसका कारण मेरे बाबा पंडित हरि प्रसाद चौबे थे। आज मैं अवीर हरि प्रसाद चौबे मां गंगा के आशीर्वाद से और अपने तप और अघोर शक्ति से इस घाट को श्राप मुक्त कर अपने बाबा के माथे पर लगे कलंक को मिटाने का प्रयास करूंगा। चटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्ब निर्झरि विलोल वीचिवल्लरि विराजमान मुरलि शिवम् शिवम्।
नमः शिवाय, गंगाय शिवदाय नमो नमः, नमस्ते रुद्र रूपिण्य शांकर्ये ते नमो नमः। ब्यूटीफुल लोकेशन लगता है, हर ट्रिप की तरह ना ये ट्रिप भी ऑसम जाने वाली है। लुक्स लाइक हेवन कैंपस, सी? हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, सॉरी। तब्बू। तब्बू। हेलो। हेलो, हाय।
मैं हूँ वेदांत गिल, आपका गाइड। आइए आइए, आपका केयरटेकर, आपका ड्राइवर। चलिए चलिए, आइए आइए। यार इतने लंबे ट्रैवल के बाद ना पिज्जा बर्गर सैंडविच खाने का ना मजा ही कुछ और होता है। शिट यार, लुक, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम लोग ग्रीस आकर भी फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं। दिस इज व्हाई आई डोंट लाइक यू गाइस। सही कह रही है। आप लोग ग्रीस में हो, ग्रीक फूड ट्राई करो, सुवलाकी, तज़ीकी। ये कैसा नाम है? अरे अपना इंडियन फूड की तरह ही होता है। जैसे सुवलाकी मतलब काठी रोल, तज़ीकी मतलब रायता। रायता। अच्छा आप लोगों को जाना कहाँ है? कैन वी गो टू दिस प्लेस, पैपिंग और रॉक पूल? गुड चॉइस, सुपर्ब चॉइस। It's beautiful. Oh, it's gorgeous. और आज तो वहाँ पे शायद स्नोफॉल भी हो सकता है। What? Really? Snowfall? Oh my God, that'll be so cool. Let's go. Yes, fingers crossed. Oh, fantastic. खाइए खाइए। चलो जल्दी खाते। पहुंच गए। चलो 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 चलो। चलिए उतरो। आराम से आराम से। Oh my God, this is so cool. Snow, snow, snow. Wow, क्या नजारा है यार। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। Not bad. Wow. वेदांत तुमने तो जीते जी जन्नत दिखा दी यार। You're welcome. Mind boggling. You're absolutely awesome. हाँ वो तो मुझे पता है। This is beautiful. It's just like a painting. Heaven on earth. This is beautiful. चलना जल्दी चल। रुकना। Come on. निभाना काम। तो कैसी लगी ये ग्रीक नेचुरल ब्यूटी सैलेड? यम्मी, आई मीन ऑसम, फैंटास्टिक, आई लव्ड इट। अच्छा आपका गाइड होने के नाते मैं आपको इस जगह के कुछ फैक्ट्स बता दूं? बताओ। इस जगह को कहते हैं पपिंगो रॉक पूल्स। ये हाइकिंग के लिए जाना जाता है। वाओ, कॉल्स फॉर अ सेल्फी। पैपिगो, बस नाम ही काफी है इसकी खूबसूरती को ख्यालों में लाने के लिए। इंडिया से जब मैं यहाँ आ रही थी तो लिपस्टिक लगाते हुए मैंने सोचा कि ग्रीस में मुझे देखकर सब आहे भरेंगे, मगर पैपिगो ने तो मेरा सारा गुरूर तोड़ दिया। वाह, कुदरत भी कितनी शैतानियां करती है, कितनी मस्तियां करती है दुनिया के साथ। कहीं पे इसे लुभावना बनाया हुआ है तो कहीं पे डरावना। कोई हिस्सा देखने लायक नहीं है तो कोई हिस्सा इतना ब्यूटीफुल है कि नजरें ही नहीं हटती। आई नीड टू टेक अ पिक्चर हियर। आई एम गोना टेक अ पिक्चर। गाइस लुक, पिक्चर क्लिक करते हैं। ओके see.
मरोगी। ये तुम्हारी आखिरी सेल्फी हो सकती थी। तुम्हें पता है दुनिया में जितने लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं ना, उसकी 15% लोग सेल्फी लेते हुए शहीद होते हैं। फोन में सेल्फी छोड़ के दुनिया ही छोड़ देते हैं। थैंक यू कुछ साल और मुझे इस दुनिया में रहने का मौका देने के लिए। यू आर वेलकम, लेकिन अगली बार जरा ध्यान से, हर जगह वेदांत गिल नहीं होगा तुम्हें बचाने। अब तक तो ये जिंदगी सिर्फ मेरी थी, अब तुम भी शेयर होल्डर हो चुके हो। अपनी जिंदगी में कभी किसी और की जिंदगी की जरूरत पड़े तो मेरी जिंदगी से अपना स्टेक ले लेना। वैसे तुम हैंडसम तो बहुत हो, मगर मेरे साथ सोशल मीडिया पे पिक अपलोड करके ही पता चलेगा कि हम साथ अच्छे लगते हैं कि नहीं। ओके कम ऑन। अब देखते हैं इंस्टा स्नैप और फेसबुक में तुम्हारे साथ फोटो में कितने लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। मैं प्रे करूंगा कि मेरे साथ लोग आपको भी पसंद करें। Let's go down. Okay. Okay. It's so ठंडा। हाय, मैं तो अपना हनीमून यही मनाऊंगी। सूरज भी दिखा दिया। अरे यार मेरा बैग। अभी तो 7 दिन और बचे हैं। पता नहीं और क्या क्या सरप्राइज देगा हमें ग्रीस। अच्छा ठीक है, टूर के आखिरी दिन फिर से पेपिंग को चले जाएंगे। हाँ, ओके? ये आइडिया अच्छा है। फिर शुरू हो गई, फिर सोशल मीडिया पे पिक्चर डाली। जाने दो, मैं जाकर बैठ जाती हूँ। एक तो ये बैग भी इतना हैवी है ना, इतनी थक गई हूँ ना। Such a beautiful villa. So sweet, Veda. हाँ। तुमने मेरा बोझ कम कर दिया। और मेरा बड़ा। इसे ना अपना कूली मिल ही जाता है। अरे आप लोगों को यहीं पे बैठना है या अंदर भी आना है? हाँ, चलो 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 चलो। विधान अंदर बुला रहा है। आइए, आइए। वाह। ये रहा आपका अपार्टमेंट, वैसे घर है। आइए। दो कमरे नीचे, दो कमरे ऊपर, जहाँ चाहो आप सो सकती हो। टेरेस है, ऊपर भी एक टेरेस है, लाइब्रेरी है, फायरप्लेस, ठंड लगे तो आग भी जला सकती हो, बस घर को मत जला दीजिएगा। और किचन भी है यहाँ पे। यहाँ खाना बनता है? नहीं, वो क्रिकेट खेलने के लिए। वैसे थैंक यू सो मच, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। वेलकम। वैसे अब तो यहाँ की ब्यूटी बढ़ गई है। मुझे तो बहुत पसंद आया, अगर अफोर्ड कर सकती तो ये खरीद कर यहाँ शिफ्ट हो जाती। और कोई इंडियन ओरिजिन से शादी करके डबल बेड पे डबल एंजॉय करती। ये रहा मेरा कार्ड, वैसे मैं कल सुबह पिकअप के लिए आऊंगा, पर रात को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो फोन कर लेना। लवली, बाय। थैंक यू, एंजॉय। बाय। अरे कहाँ गया सिमर? अब तुम कहाँ जा रही हो? वेदांत को सी ऑफ करने। अच्छा सुन, आप वो जो तू सबसे छुप के वेदांत के मुंह में प्यार के निवाले दे रही थी ना, उससे एक बार पूछ लेना कि उसमें नमक मिर्च सब बराबर था ना। वेरी स्मार्ट अबू। पहले ही दिन ये मैडम प्यार की एज पे आ गई है, कल परसों तक गिर जाएंगी प्यार की खाई में। ये लड़कियों का पहला गोल ना प्यार में गिरना ही होता है। All stupid girls. वेद, वेद। अरे वाह, आपने तो पहले दिन ही मुझे काट के यादा कर दिया, मतलब नाम। I like it.
मुझे पता था कि तुम मुझे सी ऑफ करने आओगी। बाय। अरे वाह यार, तुम तो बड़े फास्ट हो। ड्राइवर हूँ ना, जब मुझे दिख रहा है कि रास्ता क्लियर है तो फिर मैं फर्स्ट गियर में क्यों चलाऊं? एक्सक्यूज मी, मैं कोई क्लियर रोड नहीं हूँ। आंखों को अच्छे लगते हो, इसीलिए आंखें तुम्हारे चेहरे पर आके ठहर जाती है। वैसे मैं इतनी ओपन नहीं हूँ। ओपन होंगे तभी तो क्लोज होंगे। लेकिन इंडिया में जिनसे क्लोज होते हैं उन्हीं से ही ओपन होते हैं। मैं करीब हूं मगर अब तक क्लोज नहीं। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय। तबू, अरे यार सोने दे। तबू उठना। ओहो, बाहर सिमर नहीं सोने देती, अंदर ये नहीं सोने देती। सोने दे। तबू उठ। कौन है वहां पे? कौन है?
निभाना मेरा भरोसा कर भूत है वहाँ पे कुछ नहीं है कूल डाउन अरे प्लीज ट्रस्ट मी तुझ पर या भूत पर देख बहन तू ऐसी फिक्शनल स्टोरी बना के चीखेगी ना तो भूत का तो पता नहीं पर तेरी चीखों से ना हम तीनों भूत बन जाएंगे तूने फिर से हॉरर फिल्म देखी है ना ये लो और देखो हॉरर फिल्में यार बेकार में सबको जगा दिया आने वाला आएगा चाय ले लो चाय निभाना मैडम डार्लिंग थैंक्स ये कब आएगा सिमर तबू निभाना तुम लोगों ने मेरे फोटोज पे लाइक और कमेंट तो किया होगा या नहीं नहीं आप नो हाँ व्हाई वुड यू तुम लोगों की तो सुलग गई होगी मेरे फोटोज देखकर अरे बाबा बट कौन सी पिक्चर्स कल से तेरी वॉल पे मैंने कोई एक्टिविटी नहीं देखी जस्ट शट अप मैं दिखाती हूँ एक्टिविटी अभी आई जस्ट शो यू I just can't find it. ये फोटोस मैंने तो पोस्ट किए थे वॉल पे नहीं है तू इतनी सेल्फिश है ना कि तू अपने पिक्चर्स में से अपने ही दोस्तों को क्रॉप कर देती है तो हो सकता है इस बार फॉर अ चेंज तूने अपने आप को ही क्रॉप कर दिया हो सकता है डिस्गस्टिंग You're probably right. Facebook पे भी नहीं है Pictures तो upload किए थे मैंने Wait. Gallery. Pictures कहाँ गए Good morning. कैसी हो? ठीक हूँ. How are you? Very well. चौथी कहाँ है? बाहर मुंह फुला के बैठी है. अच्छा? क्यों? अरे यार, कोई रात भर YouTube पे हॉरर फिल्में देखता है, फिर उसे रात भर भूत और ओमन दिखाई देते हैं. तो किसी के Facebook और Insta पर फोटोज अपलोड नहीं होती हैं. अच्छा वेदान एक बात बताओ ये गेस्ट हाउस में भूत प्रेत है क्या भूत प्रेत मतलब गोस्ट
नहीं नहीं, वो क्या है ना मैडम कि हम बहुत ही प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर हैं, तो हम एक ही जगह पे हम दो दो गेस्ट नहीं रखते हैं एक ही वक्त, तो आप लोग जब चेकआउट होंगे ना तभी गोस्ट की चेक इन होगी, राइट? वेरी फन। अभी आप लोगों को यहीं बैठना है या साइट सीइंग भी करनी है? हाँ, जाना है ना। चलो चलो चलो, 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 लेट्स गो, चलो। तुम बार बार बराबर में क्या देख रहे हो? रोड तुम्हारे सामने है। कहीं तुम्हारा इरादा हम चारों को एक्सीडेंट में मार देने का तो नहीं है? जो पहले से ही मर चुका हो वो किसी को क्या मारेगा? पर तुम्हारे हाथ से भी मरने में बहुत मजा आएगा। मुझको यूं ही नहीं तुम मिले। कई जगह पे चढ़ाई चादर, कई जगह पे किए सजदे, कई दिनों तक दुआएं मांगी, कई शबों तक शबों में जागे। यूं ही नहीं तुम मिले हो मुझको, जाने क्या क्या किया है मैंने, जो जिसने मांगा दिया है मैंने, मौका मैं मन्नत जा भी पाया, वहीं पे धागा मैं बांध आया। यूं ही नहीं तुम ले हो मुझको, चढ़ाई चादर,
कैसे हो पापा? बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। तू बता, तू कैसी है? पूछो मत पापा, आज हम ना ग्रीस की इतनी ब्यूटीफुल सिटी गए थे, चारों तरफ खूबसूरती खूबसूरती। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड वेल प्लान। बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं एक दूसरे के लिए। पर पता क्या है, अगर आप होते ना तो और भी मजा आता। आई रियली मिस यू बिटिया। इन आंखों में जब पूरी रोशनी हुआ करती थी ना, जितना देखना था देख लिया। अब मेरी उम्र देखने की नहीं सुनने की है। तू देख लेना और मुझे आकर जरूर बता देना। हाँ हाँ हाँ। अपनी मर्जी से ले आना, मुझसे पूछ कर लाएगी तो मैं सरप्राइज कहाँ होऊंगा। ये बात भी सही है। और सुन, मैं तेरे लिए एक लड़का देख रहा हूँ। लड़का? बेटा मैं तेरा बाप, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। आपको पता है ना पापा, फिर भी आपको ये सब बातें करनी है मुझसे। तू अभी तक उसे नहीं भूली? बेटा किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, बस जीने की वजह बदल जाती है। ये सब बातें मुझे नहीं याद रखनी है। बेटा बेटा तेरे पीछे, तेरे पीछे कोई है बेटा? कोई नहीं है यहाँ तो। तेरे पीछे कोई है बेटी? बेटी तेरे पीछे? अरे बाप, खिड़की में तेरे पीछे कोई है। पापा आई।
कोई है तेरे पीछे बेटा? बेटी देख पीछे, कोई है। बेटी, बेटी तेरे पीछे। निकलते हैं, चलो चलो चलो।
तुम लोग यहीं पे रुको, मैं फादर से बात करके आता हूं। Με συγχωρείτε. Θέλω να συνειδησιώ τον αέρια. Δυστυχώς λείπει. Θα γυρίσει σε τρεις μέρες. Μπορώ να βοηθήσω, γέ μου? Γεια. Η κάφη, φίλε μου, έκανε φλέξι άξιμα. Δώσε μου ένα λεπτό. बेटी निभाना, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? पापा, कॉटेज वांटेड है। कौन था तेरे पीछे? भूत ने हमें मारने की बहुत कोशिश की। प्लीज आप हमें बचा लीजिए। आप सही कह रहे थे पापा, मेरे पीछे भूत था, उसने हम सबको मारने की कोशिश की। जैसे तैसे वहां से भाग के चर्च में आ गए। पता नहीं क्या होगा पापा, प्लीज हमें बचा लीजिए। बेटा बेटा निभाना, तू घबराना मत बेटा, मैं कुछ करता हूँ। Γιέ μου, πάρ' αυτό. Θα σε προστατεύσει από όλα τα κακά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός μαζί σου. Γεια μου. Φάδερ, τι είναι και λένε. Γεια. Καπράω μα, μουζε γιέ μιλ γεια. Αμ λόγω κου κουτς νέι ούγα, κουτς νέι ούγα, ठीक है? चलो मेरे घर चलते हैं, चलो। अच्छा ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं। चलो। मेरा नाम ओमकार शास्त्री है। मैं आपके पास बड़े विश्वास, बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ। मेरी बेटी पिछले हफ्ते अपने सहेलियों के साथ ग्रीस घूमने गई थी। वहां पर भूत प्रेत का साया उन पर पड़ गया। प्रेत आत्माएं ना तो उन्हें वहां से आने दे रही है और ना ही वो इस हालत में है कि वापस आ सके। मुझे आपकी बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। मैंने देखा है कैसे आपने इस घाट को शराब मुक्त किया है। वो मैंने अपने बाबा के माथे पे लगे कलंक को मिटाने के लिए किया था। ये मेरी दिनचर्या नहीं है। इस वक्त मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है। अब आपके सिवा उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। देखिए, आप मुझे मजबूर ना करिए। अब ये काम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। प्लीज बेटा, मुश्किलों से लड़ने वाला ही अवीर होता है। ये मेरी बेटी है, अब आप इसे बचा लीजिए।
नैना नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना कमाल करते हैं। नैना नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना कमाल करते हैं। चैना चैना लिए जाए चैना बुरा दिल का हाल करते हैं। खुद जवाब देते हैं खुद सवाल करते हैं। नैना नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना कमाल करते हैं। चैना चैना लिए जाए चैना बुरा दिल का हाल करते हैं। खुद जवाब देते हैं खुद सवाल करते हैं। नैना नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना कमाल करते हैं। सौ समंदर नैनों में तेरे डूबे हैं इनमें सौ ख्वाब मेरे। वो है सौ समंदर नैनों में तेरे डूबे हैं इनमें सौ ख्वाब मेरे। पलकों पे तेरी मेरी नींद सोए तेरे संग जागे मेरे सवेरे। कभी हौसलों को हवा दे कभी फासलों को बढ़ा दे। कभी हौसलों को हवा दे कभी फासलों को बढ़ा दे। दिल संभल नहीं पाता ऐसी चाल चलते हैं। नैना नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना कमाल करते हैं। कैसे मैं समझूं नैनों की भाषा। कभी दर्द बख्शे कभी दे दिलासा। वो कैसे मैं समझूं नैनों की भाषा। कभी दर्द बख्शे कभी दे दिलासा। शर्म हया की हदें तोड़ जाए मेरे दिल पे अपने निशान छोड़ जाए। महफिल में करके गुस्ताखी तन्हाई में मांगे माफी। महफिल में करके गुस्ताखी तन्हाई में मांगे माफी। ये जहाँ की रस्मों का कब ख्याल करते हैं। नैना नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना कमाल करते हैं। चैना चैना लिए जाए चैना बुरा दिल का हाल करते हैं। खुद जवाब देते हैं खुद सवाल करते हैं। नैना नैना तेरे नैना नैना तेरे नैना कमाल करते हैं। बस अब कुछ ही दिनों की बात है फिर मैं वापस आके तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। वापस आके तुम कहां जा रहे हो? गुरुकुल। अरे पिताजी चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह बनारस के सबसे बड़े पंडित बने और हम उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। ओह माय गॉड, इतनी शुद्ध हिंदी। तो बनारस के बच्चे हैं शुद्ध हिंदी तो बोलेंगे ही, तुम्हारी तरह दिल्ली से नहीं आए। बेटा वीर,
आजकल कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, और तुम पंडा बनना चाहते हो। तो पंडा बनने में क्या गलती है? हमारे पिताजी पंडित, हमारे दादाजी पंडित, हम पंडित बनेंगे और हमारे होने वाले बच्चे भी तो पंडे बनेंगे। ओ प्लीज, हमारे होने वाले बच्चे वही बनेंगे जो वो बनना चाहते हैं। और अगर पंडित बनना चाहे तो? ओके, ओ स्वीट यू। कब तक हम लोग यहाँ चर्च के अंदर रुकेंगे? 2 दिन होने को आए हैं। तुम लोगों के पासपोर्ट्स के बिना हम किसी दूसरे होटल में चेक इन भी नहीं कर सकते। जब तक ये सब सॉर्ट आउट ना हो तब तक तुम लोग मेरे घर में रह लो। नहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, एटलीस्ट हम लोग सेफ है यहाँ पे। ठीक है, तुम लोग यहीं पे रुको, किसी से अपनी प्रॉब्लम के बारे में मत बताना। मैं वहीं जाकर पासपोर्ट्स लेके आता हूँ। तुम्हें कुछ हो गया तो? लेकिन पासपोर्ट्स तो लगेंगे ना, उसके बिना तुम लोग यहाँ से वापस कैसे जाओगे? डर लगता है जिंदगी से, क्योंकि एक बार ये जब जाती है तो ना ही जिंदगी वापस आती है, ना ही जिंदगी में आए हुए लोग। मुझे कुछ नहीं होगा, गॉड इज विद अस। तुम लोग अपना ख्याल रखना।
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कौन है आप? ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? वो चारों लड़कियां कहाँ हैं? लड़कियां तो सेफ हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो? मैं इंडिया से हूं, मुझे निभाना के बाबा ने भेजा है। निभाना के पापा? मतलब उन्हें कैसे पता था? उनकी जान खतरे में है, मुझे उनके पास लेके चलो। ठीक है, अभी। कोई नहीं बचेगा, वो हम सबको मार देगा। देखना, कोई नहीं बचेगा, हम सबको मार देगा। रे, तू ड्रग्स लेती है क्या? तेरे मुंह से कभी कुछ अच्छी बात नहीं निकलती। हम सब यहाँ परेशान हैं और तू हमें डरा रही है। डरा नहीं रही हूँ, वॉर्न कर रही हूँ। कोई मदद नहीं कर सकता वो हमारी। अगर हम इंडिया नहीं गए ना तो मर जाएंगे। नो वन कैन सेव अस, द गोस्ट विल किल अस। कैसे जाएंगे हम इंडिया? पासपोर्ट है क्या हमारे पास? इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ इंडियन नहीं है? जब लोग बिना पासपोर्ट के आ सकते हैं तो जा भी सकते हैं। God. बस हमें सिर्फ एक रास्ता ढूंढना चाहिए, that's it. Rain, बस तो... करो यार, what's wrong with you? Let's just wait for Vedant and तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। Vedant. पासपोर्ट लेकर आया हो क्या? नहीं। क्यों? अब हम यहां से फिर कैसे निकलेंगे? हम यहां से जाना है। वो किसी को नहीं जाने देगा, सबको मार देगा। What? अवीर, तुम? अवीर सही कह रहा है, आज अगर ये नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं होता। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? कई सिद्धियां प्राप्त की हैं मैंने, वो मुझे ये सब दिखाती हैं, मेरी मदद करती हैं। तुम्हारे बाबा ने मुझे यहां भेजा। पापा ने? Do you believe in spirits? Yes, I believe in spirits. मैं उनके साथ रोज बातें करता हूँ, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। एंड आई थिंक आप लोगों के साथ इतना सब कुछ हो गया है कि अब तक आप लोगों को यकीन हो गया होगा।
जाने अनजाने में जिस कहानी को आपने शुरू किया है उसे खत्म करे बगैर आप लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। हमें यहाँ नहीं रहना, प्लीज अमीर को बोलो। अमीर, हम कहीं और रुके? नहीं वेदांत, इनके साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कौन सा साया इनके पीछे है, ये सब जानने के लिए हमें यहीं रुकना पड़ेगा। अब हमें कुछ नहीं होगा, आ जाओ। You girls go and relax now. किसी को कुछ नहीं होगा। Don't worry. मैं हूँ। जाओ। नहीं। जाओ, सब ठीक होगा। Go. अवीर, तुम्हें rest लेना है तो नीचे एक guest room है। अवीर, तुमने कहा था कि पढ़ाई खत्म करके तुम मेरे घर आओगे, मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगोगे। फिर ऐसी कौन सी पढ़ाई थी गुरुकुल में जिसे पढ़ते पढ़ते तुम मुझे भूल गए? काश, काश कि मैं तुम्हें भूल पाता। एक्चुअली गुरुकुल गए अभी 3 ही महीने हुए थे। बनारस से खबर आई कि तारन घाट में आस्था रखने वालों ने बाबा की हत्या कर दी। हत्या? हाँ, रात का समय था। बाबा मंदिर में थे और अचानक आरती करते हुए उनका ध्यान गजाननम भूत गणाधिशेवितम कपित्त जंबू फलचारु वक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये रही मेरी रानी और ये ले मेरा बादशाह।
और ये रहा मेरा हुकुम का इक्का, ये ले मेरा दहला। ओ मैडम, किधर जा रही हैं इतनी रात को? वो क्या है ना कि 6 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो सकता है। ये बात हमारी माँ ने हमारी ससुराल वालों से छिपाई थी, लेकिन जब हमें पता चला कि इस घाट पर स्नान करने से औरतें माँ बन जाती हैं, तो हम यहाँ स्नान करने के लिए आ गए। ठीक है जाओ स्नान कर लो। जी ये ले, चल खेल। ये ले। घाट पे बच्चा लेने आई है। क्यों ना हम तीनों मिलकर दे दे? क्या बच्चा? अच्छा। कैसे फोन पड़ा रहे हैं मछली के साथ? अब आएगा मजा। छोड़ो, बदल गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे मुंह दबा ना इसका। अरे कौन है उधर? क्यों चटपटा रही है? अरे कौन है उधर? मैं आ रहा हूँ अभी। अरे छोड़ो उसको, पंडित आ रहा है। बताता हूँ अभी आ रहा हूँ मैं। अरे अरे कौन है रे? कहाँ भाग रहे हो? रुको, कौन तुम? कौन है तुम लोग? उस लड़की के साथ वहाँ क्या कर रहे थे? अरे 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 रुको, अरे रुको, अरे कहाँ भाग रहे हो? भगवान ये क्या हो गया? राम 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 राम। कौन हो बेटा? अरे कौन? अरे बेटी कौन है तुम? बेटी उठो ना, बेटी बेटी उठो ना, बेटी 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 बेटी, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? कौन थे वो लोग? बोलो बेटी, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आ गई? बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। मैं संतान सुख की प्राप्ति के लिए आई, लेकिन यह पुण्य नहीं पाप होता है। ये भगवान, ये ऐसा अनर्थ। लेकिन आज के बाद यहाँ को कोई माँ नहीं बनेगी। नहीं बेटी नहीं, ऐसा मत कहो बेटी। मैं श्राप देती हूँ। हाँ? मैं श्राप देती हूँ। हाँ? बेटी बेटी आजा, महापंडित कहने वाला पाखंडी नहीं पाप किया है, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्यों भाइयों? नहीं नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया भाइयों। ये पंडित झूठ बोल रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है उस लड़की का बलात्कार करते हुए। हाँ देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा। हाँ। इस बीच को जीने का कोई अधिकार नहीं है। सही कहा, ये पंडित पाखंडी, मारो इसको। Be
नीच पाखंडी, हमारे इस घाट को अपवित्र किया तूने। पापी धूर्त, तू पंडित के नाम पे कलंक है। उस दिन के बाद से संतान प्राप्ति के लिए जितनी भी महिलाएं वहां आईं, किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। उस घाट को उन लोगों ने श्रापित घोषित कर दिया और बाबा के माथे पे एक कलंक लगा दिया। तब मैंने प्रतिज्ञा की कि बाबा के माथे पे लगा एक कलंक मैं मिटाऊंगा और उस घाट को श्राप मुक्त करूंगा। पर यह काम आसान नहीं था, इसके लिए मुझे कई सिद्धियां प्राप्त करनी थी और मैं उनकी खोज में निकल पड़ा। पीर फकीर, साधु संत, अघोरी मां पंडित, इन सब से मैंने सिद्धियां हासिल की, यहां तक कि हिप्नोटिज्म की भी स्टडी की। एंड फाइनली मैंने बाबा का नाम साफ किया, उनके माथे पे लगा वो कलंक हटाया और उस घाट को श्राप मुक्त किया। मेरी जिंदगी में तुम्हारा लौट के आना सबसे बड़ी खुशी का लौट के आना है। अब कभी दूर मत होना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, कभी नहीं। एक सेवा तेरे मैं क्या सोचूं, अब सेवा तेरे मैं क्या देखूं। तू मुझ में इतना बिखरा है, रूह तक तो मेरी उतरा है। मेरी चाहत का ये वादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। एक सिवा तेरे मैं क्या सोचूं, अब सिवा तेरे मैं क्या देखूं। तू मुझ में इतना बिखरा है, रूह तक तू मेरी उतरा है। मेरी चाहत का ये वादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। बन गया है इन दिनों तू तसल्ली का किनारा, बन गया है इन दिनों। अब तुझे पाके मैं क्या चाहूं, बस तेरा होके जिए जाऊं। तू मेरी सुबह का तारा है,
खाली रातों का गुजारा है, मेरी चाहत का ये वादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। सांस तेरी सांस से अब जुड़ गई, बहते बहते मेरी धड़कन तेरी तरफ मुड़ गई, मैं तेरा साया सदा पाऊं, खुद में कुछ हर पल नया पाऊं, दिल फिदा तुझ पर हमारा है, तेरी खातिर सब गवारा है, मेरी चाहत का ये वादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, मुझ में मुझसे ज्यादा है। ओ थैंक्स। सो वेदांत, तुम इन लोगों को कहां कहां लेकर गए थे, मुझे पूरी डिटेल में बताओ। मैं इन्हें एयरपोर्ट से लेके डायरेक्ट पेपिंग, नहीं उसके पहले हम एक रेस्टोरेंट में गए थे और फिर मैं इन्हें पेपिंग को रॉक पूल दिख गया और वहाँ से अपार्टमेंट। अब इसे क्या हो गया? ये रेन कैसी लड़की है? What do you mean कैसी लड़की है? I mean उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर हर चीज में हर बात में नेगेटिविटी ढूंढना, कोई अच्छी चीज तो उसकी सोच में आती ही नहीं है, हमेशा सबकी बुराई करती रहती है, इतनी नेगेटिविटी ना मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। स्टॉप इट गाइस, दोस्त है वो हमारी, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मेरा शक सही निकला। मतलब रेन इज पोजेस्ड। व्हाट? व्हाट? या मैं समझाता हूं। एक्चुअली जो अनसैटिस्फाइड आत्माएं होती हैं वो अक्सर ऐसे ही नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों पर हावी होती हैं और वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करती हैं। रेन इज डेफिनेटली पोजेस्ड। ये आत्मा तुम लोगों को यहां से आराम से जाने नहीं देगी। क्यों और उसका क्या रीजन है मुझे नहीं पता। पता पता कैसे करेंगे? वेदांत, I need your help for this. Yeah. मैं इसमें क्या कर सकता हूं? सोचने दो। प्रणाम गुरुजी। कैसे याद किया अभीर? गुरुजी, जिंदगी मुझे फिर उस मोड़ पे ले आई है जहां पे मुझे आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, बस दिल से मुझे याद करना। जी। अवीर, तुम तीनों एक कमरे में चली जाओ,
जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो वेदांत। वेदांत, हमारे पास 30 मिनट है, ये तुम रखो। ये क्या है? ये रुद्राक्ष की माला तुम्हारी रक्षा करेगी। रक्षा मतलब? अब मैं जो विधि करने जा रहा हूं, हो सकता है कि रेन के अंदर जो आत्मा है वो तुम्हें तंग करने की कोशिश करे, पर तुम घबराना मत। तुम इसके हाथ बांधो, मैं सामान लेके आता हूं। वेदांत, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षा शिलटंका नखालाय इतो नरसिंहा प्रतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहं दिं शरणं प्रपदे। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षा शिलटंका नखालाय इतो नरसिंहा प्रतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहं दिं शरणं प्रपदे। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षा शिलटंका नखालाय इतो नरसिंहा प्रतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहं दिं शरणं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षा शिलटंका नखालाय इतो नरसिंहा प्रतो नरसिंहाय यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहं दिं शरणं प्रपदे। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षा शिलटंका नखालाय इतो नरसिंहा प्रतो नरसिंहाय यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहं दिं शरणं प्रपदे।
नामस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद राहिने इतो नरसिंहाय तो दयामि ततो नरसिंहाय वये नरसिंहाय नरसिंहम दिम शरणम प्रपदे हाँ मर जाएगी वो और तुम सबको मैंने बोला था बाहर रहने को अंदर क्यों आए Are you guys crazy? Rain is possessed, God damn it! Look at her. वेदांत हमें बहुत डर लग रहा है हमें प्लीज यहाँ से ले जाओ प्लीज अबीर नहीं तो हम सब मर जाएंगे Relax guys मैं तुम सबको यहाँ से निकालूंगा और साथ में रेन को भी सही सलामत यहां से लेकर जाएंगे लेकिन उससे पहले हमें इस आदमी को ढूंढना होगा क्योंकि हो ना हो उसका इस आत्मा से कुछ कनेक्शन है अरे इसको तो मैंने कहीं देखा है कहां देखा है वेदांत सोचो हां ये यही एक क्लब में ड्रमर है शायद नहीं वेदांत इसका मिलना बहुत जरूरी है एक यही है जो इस राज से पर्दा हटा सकता है How is that possible, Vedant? अरे अवीर पता नहीं वो क्लब का मैनेजर भी कह रहा था कि 3 साल से जेकब गायब है 3 साल से गायब Shit. अब इस राज से पर्दा वहीं जाके हटेगा जहां से ये कहानी शुरू हुई थी मतलब पेपिंग और रॉकपूल शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शांताय तेजसे सर्वधिष्ठनाय सर्वसमर्थाय सर्वविल्याय महेश्वराय नमः शिवाय ओम शांताय तेजसे सर्वधिष्ठनाय सर्व समर्थाय सर्व विल्याय महेश्वराय नमः शिवाय ओम अरे ये तो ग्रीक में बोल रही है क्या कह रही है कि कोई नहीं बचेगा इससे पूछो कौन है ये पूछो वेदांत योस इसे इसी नमः जेकब अरे ये कह रहा है कि ये जेकब है जेकब कौन जेकब
अरे वही जो रेस्टोरेंट से 3 साल पहले गायब हुआ था, वो वही तो नहीं है ये? वेदांत इससे पूछो ये क्या चाहता है। पीते थे लेते आपो आफ्ता तक खुरीश दिया। पैथाना एक्सेडेस तिजलेना किफातो ऐसे स्फिगाते माकीरा मिन ब्रास्पति ने ना तीन वोचे सिते। अरे ये कह रही है, कह रहा है कि किसी सेलिना ने इसकी जान ली थी और वो उससे बदला लेना चाहता है। क्या? और अगर हम रेन की मदद करें तो वो सबको मार देगा। क्या? चलो चलो चलो। वेदांत इससे पूछो कौन है। पीआई से। सेलिना अफसोस मैं इसको तो से। गॉड, ये कह रही है कि इसने इसे मार दिया है। पूछो इससे क्या हुआ था इसके साथ। जियोना स्नेडी इगो मंते जेकब इगो बियो मस्तार। ये कह रही है कि जेकब और ये एक दूसरे से प्यार करते थे। Τι κάνεις; Είμαι τόσο χαρούμενη που σε γνώρισα. Σ' αγαπάω. Ας παντρευτούμε. Τι να παντρευτούμε ρε Σιέλενα; Δεν είμαι εγώ για τέτοια τώρα. Γιατί; Τι γιατί, σου έχω εξηγήσει, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Τι εννοείς, δεν το κάνω σε σένα. Δεν το κάνω σε σένα ρε Σιέλενα. Σου έχω εξηγήσει, είμαι ελεύθερο πουλί, αυτό είναι μόνο. Δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Όχι, δεν το κάνω σε σένα, ρε Σιέλενα. Δεν το κάνω σε σένα. Εγώ είμαι απλά ελεύθερο πουλί, μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Είμαι έγκυος. Τι είσαι? Γιατί το λες αυτό? Εγώ σ' αγαπάω. Εγώ δεν σ' αγαπάω όμως. Μάλιστα. Δηλαδή τόσο καιρό εσύ έπαιζες με τα συναισθήματά μου. Όχι, κούκλα μου, δεν έπαιζα με τα συναισθήματά σου. Μην με ακουμπάς. Γιατί να μην σε ακουμπάω. Σου έχω πει να μην με ακουμπάς. Αντε γαμίσου, ρε. Πουτάνα, γαμίσου. Άσε με. Τι θες, ρε. Τι θες, ρε. Άφησέ με. Θα πεθάνεις, μωρή πουτάνα, θα πεθάνεις! Μωρή παλιού πουτάνα! Αντεχάτε σου! Βούστα από εδώ! उसके बाद जेकब भी मर गया। निभाना इन सिंदे दुमनी से सेना। इसीलिए इसने निभाना के जरिए तुम तक पहुंचने की कोशिश की। अवीर, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया गया है। फिर बिना कतस्तर सस्तिन इतनो पिक्सिदो मोनो तो देता एफोटोले इनिरिनी। वो कह रही है अवीर की हमें
जेकब की बुरी आत्मा को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। निभाना ठीक है। इन दोनों की अतृप्त आत्माएं यहीं पे फना हुई थी। वेदांत, हो ना हो, जेकब का स्केलेटन या उसका अवशेष यहीं कहीं होगा। तुम लोग जाओ और उसे ढूंढो, वक्त बहुत कम है। लेकिन हम यहाँ इसे कहाँ ढूंढेंगे? और अगर यहाँ से निकल गए तो ये हमें मार देगा। कुछ नहीं होगा, मेरा मंत्र उच्चारण जारी है, वो तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। तुम लोग जाओ, और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, डरना मत। ओम अघोराय नमः। मैं इस तरफ जाऊं। ओम अघोराय नमः। 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 Oh!
सिमर, 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 आर यू ओके? सिमर, ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम।